प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहु सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रोशन, मारी बात तो समझ। तू ना परमिंदर प्राजी को कल सुबह समझाने जाना, रात को रहने दे। नहीं रोशन, परमजी को अभी समझाना जरूरी है, और वैसे भी वो ना रात को ही समझता है। हाँ? हाँ। क्या बात है यार, क्या टाइमिंग पे आया हूँ मैं यार। अरे बल्लू प्राजी, हाँ सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पाजी। अच्छा रोशन भाभी, माधवी ने खास खीर भेजी है गोगी के लिए। हाँ, थैंक यू अंकल। ओह हाउ स्वीट। और बल्लू प्राजी, बड़े दिनों बाद आए यहाँ पे, आपने पहचाना कि नहीं मुझे? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, सुड़ी का खास दोस्त, आपके यहाँ पे आता ना उसके साथ। हाँ हाँ, भिड़े पाजी आपको कैसे नहीं पहचानेंगे। अच्छा वो भिड़े भाई, आप टद्दन करेक्ट वक्त पे आ गए। अरे नहीं, मेरा खाना हो चुका है रोशन भाभी, आप आराम से खाइए। अरे नहीं, रोशन है ना वो बल्लू भाई के भाई परमजीत भाई को समझाने जा रहा है, तो आप भी उसके साथ जाइए ना समझाने के लिए। हाँ बिल्कुल जाऊंगा समझाने, उसमें क्या है। लेकिन सोड़ी, समझाना क्या है? ओ, कुछ नहीं यार, वो परमजीत ने ना बल्लू को घर से निकाल दिया। भाई? हाँ? ओ, बल्लू भाई, परमजीत भाई मतलब आपके बड़े भाई साहब ना? हाँ। तो मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो तो बड़े शांति प्रिय इंसान है। तभी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। हाँ बता। अरे मेरी पूरी बात तो सुन सोड़ी। सुना। अरे सोड़ी, इनफैक्ट जब मैं लास्ट टाइम इनके घर पे गया था तो उन्होंने कहा था मुझे कि बल्लू मेरे भाई जैसा नहीं। तभी निकाल दिया। हाँ तभी। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो सोड़ी, उन्होंने कहा था कि बल्लू मेरे भाई जैसा नहीं बल्कि मेरे बेटे जैसा है। ओ, फिर घर से क्यों निकाल दिया? हाँ बोल बोल बोल। अभी गुस्से में बोला होगा उन्होंने। बोला नहीं भिड़े जी, घर से धक्के मार के बाहर निकाला। बेचारा बल्लू, परमजीत भी तो इंसान है, इंसान को भी दिमाग दिया है, और दिमाग कभी कभी गर्म हो जाता है यार। हाँ। ओहो, अगर ऐसा है तो बहुत गलत बात है। क्या है, आपके परमजीत भाई जो है वो एक शिक्षक होने के नाते मेरी बहुत इज्जत करते हैं, तो मैं उनको समझाता हूँ कि भाई ऐसा ना करे। हाँ लेकिन मुझे जरा डिटेल में बताओ कि हुआ क्या है। और चलो रास्ते में समझाता हूँ, और हाँ तू हेलमेट पहन लेना। हाँ पाजी, हेलमेट जरूर ले लेना। हेलमेट? वो क्या है ना, परमजीत ऐसे नहीं मानेगा, वो मुझे चार लगाएगा, मैं उसे चार लगाऊंगा, वो हॉकी स्टिक निकालेगा, मैं जैक निकालूंगा। ओ, मैं तो कहता हूँ भिड़े पाजी, आप छड़ी जरूर साथ में ले लीजिए, जरूरत पड़ेगी। छड़ी, हॉकी, जैक, मतलब मैं समझा नहीं छोड़ी, ये सब क्यों? अरे तू ऐसे ही लड़ेगा, कराटे वराटे सीख लिया क्या पिडो? कराटे? अरे देवा, मैं क्या बोलता हूँ रोशन भाभी, ऐसे किसी के घरेलू मामले में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है। और सोड़ी, जहां तक हो सके तू भी उनको शांति से समझाना। ओ पिडो, क्या है ना वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। मत तो कठिन है। वैसे रोशन भाभी आप टेंशन मत लीजिए, सोड़ी उनको अच्छी तरह से समझा के आ जाएगा। वो सब समझदार है यार। चलो मैं चलता हूँ। हाँ चल चल, आराम से आराम से। चल बल्लू, हम भी चलते हैं। हाँ चलो। रोशन, तुम्हारी बात समझ, तू उधर पे झगड़ा बिल्कुल मत करना। हाँ ओए रोशन, तू फिकर ना कर, अभी परमजीत को समझा के आता हूँ। ओए पापा भूलना मत, कल सुबह हमें घुमाने ले जाने वाले हो। ओ गोगी पुत्र, घुमाने ले जाऊंगा पूरी टप्पू सेना को, अभी बस दो तीन लगा के आता हूँ। सु? अब
परमजीत को दो तीन लगा के आता हूँ। चंगा रोशन। रोशन चल गोगी बता मिलता हूँ। ओ खुदाई, वाहेगुरु जी, खुदाई जी, तुम्हारी मदद हो जो जी। एकदम सही बोला। कुछ भी बोल यार, हंगामा तो सोड़ी के आने के बाद ही होगा। वो बात तो तेरी बिल्कुल सही है यार, पर बल्लू ने हमें यहाँ बुलाया तो खुद सोड़ी को बुलाने चला गया। ओ अमर जीते, तेरे कनाडा जाने से पहले आ जाए तो अच्छा है। ओए जोक मत कर यार, फोन लगा उसको। कमाल है यार, मुझे कह रहा फोन लगा और खुद ही फोन लगा रहा है। ओ बोल अमर जीते। ओ किथे है यार तू? ओ तेरे दिल में। क्या मजाक कर रहा है? ओ यहाँ कब तक पहुँचेगा? ओ यार तू कहे तो बस अभी पहुँच जाऊँ। फिर से मजाक कर रहा है? वो तो वैसे ही है। ओ किथे है यार तू? अरे पलट मेरे यारा। ओ सोडी। ओ बल्ले 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 बल्ले। और वही पर जाएगी कैसी है? और जब तक पार्टी का पता ना चले तब तक तो बहुत पोली है, और पार्टी का पता चल जाए तो बंदूक की गोली है। और तेरी गोली? और मैं तो उसका प्यारा पति हूँ ना यार। यार अमरजीत तू हम लोगों को छाड़ के कनाडा चला जाएगा? हाँ यार, 3 दिन बाद की टिकट है। ओ यार अपना वतन छोड़ के कनाडा क्यों? यार तू भी तो पंजाब छोड़ के मुंबई आ गया था पैसे और फ्यूचर के लिए। ओ पर यार हूँ तो अपने इंडिया में। आई लव इंडिया। ओ यार तुम लोग कौन सी बातों में फंस गए हो? यार अमर जीता कनाडा जा रहा है, पार्टी आर्टी कब शुरू करेंगे? ओ अभी शुरू करेंगे। अपने यार जीते के कनाडा जाने की खुशी में और अपने अमर जीते के पिछड़ने के काम में भी चिया। लो भाई जेठालाल। किसे ढूंढ रहे हो जेठालाल? सोटी को। सोटी को क्यों? अरे मेहता साहब, सोटी ने परेशान करके रखा। सोटी ने? ऐसे कैसे हो सकता है, नॉर्मली तो तुम्हारी वजह से सब लोग परेशान रहते हैं। क्यों बबरलाल? हाँ भाई, आज ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? अरे पोपट भाई, जेठा भाई सोड़ी भाई के बारे में बात कर रहे हैं, ये गंगा भाई बीच में कहाँ से आ गए? अरे भाई अब्दुल, ये कहावत है। क्या कहावत है? तू भाई सोड़ा बना रहा। अरे ये सब छोड़ो यार, तुम ये बताओ सोड़ी ने आखिर किया क्या है? अरे मैं तो सब सोड़ी टप्पू सेना को घुमाने लेके जा रहा है। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। अरे बढ़िया बात बराबर है, लेकिन उसकी वजह से बापूजी मुझे डांट रहे हैं ना। क्यों? कह रहे हैं कि भाई देखो सोटी कितना अच्छा है, बच्चों को घुमाने लेके जा रहा है, और तू देख तेरे पास टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए। सही बात है, मुझे भी डांट पड़ी। चाचा जी ने आपको भी डांटा? नहीं चाची ने। चाची गांव से कभी आई? अरे बुढ़बा तेरी चाची ने, कोमल ने, कहती है सोटी भाई से कुछ सीखो, वो बेस्ट पापा है। और हम बेकार पापा, मादी भी यही कह रही थी। वैसे यार एक तरह से देखा जाए तो बात तो सही है, अगर सोढ़ी टप्पू सेना को घुमाने ले जा सकता है तो तुम लोग भी तो ले जा सकते हो। बिल्कुल। मना काम मना किया मेहता साहब, मैंने टप्पू को बोला कि 4-5 दिन के बाद मैं तुमको घुमाने लेके जाता हूँ, तो बोलता नहीं कल क्या कल लेके जाओ। सही बात है, मैं भी पेशेंट को बिना बताए अचानक क्लिनिक थोड़ा ही बंद कर सकता हूँ। हाँ और मुझे भी कल परसों तक अचार पापड़ की डिलीवरी करनी है, वरना मैं काम मना कर रहा हूँ। भाई सब लोगों को काम है, तो इसी तरह से सोढ़ी को भी तो कोई ना कोई काम होगा ना। मेहता साहब ये सारे जो है ना वो दिमाग से सोचते हैं, सिर्फ अपना सोड़ी है जो दिल से सोचता है। यार जीते दिल से कह रहा हूँ, और यारों के साथ पार्टी करने का मजा ही कुछ और है। एक आप दोस्त हो, एक मेरे गोकुल धाम के दोस्त है, और सभी बेस्ट है। आई लव इंडिया। सोड़ी बेस्ट फ्रेंड है, दोस्तों के किसी भी काम के लिए हमेशा तैयार रहता है। सच का यार,
खासियत तो है सोडी में, खुद बाद में खाएगा और दूसरों को पहले खिलाएगा। पी अमरजीत पी। ओ सोडी यार तू भी तो पी। ओ मैं तो पी रहा हूँ। इधर ओ पी गया तभी तो नहीं है तू पी। अल्लाह इंडिया। भाई दूसरों की भलाई के लिए उसका खुद का नुकसान भी हो जाए ना तो कभी परवाह नहीं करता। बिल्कुल सही कहा पोपटलाल। अभी आज की बात ले लो ना, उसका दोस्त बल्लू उसके बड़े भाई ने उसको घर से निकाल दिया तो उनको समझाने के लिए आधा खाना छोड़ के उनके घर पे गया। आधा खाना छोड़ के? बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुम। इस तरह से देखा जाए तो हम सब लोग सोढ़ी के दोस्त हैं, हम लोग बड़े खुशनसीब हैं। अरे दिल का भोला जिंदा दिल, दूसरों की भलाई करने वाला और उतना ही दिलेर, और दूसरों के दुख जिससे नहीं देखे जाते। यार अमरजीत तू पी नहीं रहा यार, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेहता साहब आपकी बात 16 आने सच है, सोढ़ी 24 करोड़ सोना जैसा है, लेकिन उसके जोश और उत्साह की वजह से हमें डांट पड़ती है, उसका क्या? बिल्कुल सही बात है। तुम भी सोढ़ी जैसे हो जाओ तो डांट नहीं पड़ेगी, तुम्हारी भी तारीफ होगी। अरे भाई मैं क्या कोई भी सोढ़ी जैसा नहीं बन सकता, भगवान ने एक ही पीस बनाया है। तो भाई जेठालाल भगवान से प्रार्थना करो कि सोढ़ी जो कर रहा है वो सत्कर्म भगवान हमेशा उसे करवाता रहे। सोड़ी को ऐसे ही सत्कर्म करने की बुद्धि देते रहो, हमें डांट पड़ेगी तो चलेगा। हमें नहीं भाई तुम्हें, मुझे डांट पड़ेगी और मुझे नहीं चलेगा। चलो भाई चलो, मैं तो निकलता हूँ, मुझे सूरत जाना है। अभी सूरत? अरे भाई अभी घर जा रहा हूँ, जल्दी सोऊंगा तो सुबह जल्दी उठूंगा तो जल्दी सूरत के लिए निकल पाऊंगा। चलो जल्दी चल के सो जाते हैं, मुझे भी सुबह उठ के आर्टिकल लिखना है। अच्छा चलो 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 चलो, फिर ये सोडे का आखिरी गुट अपने हीरो सोड़ी के नाम। चलो रोशन उधर क्या कर रहा होगा? मम्मी कल पापा मुझे घुमाने ले जाएगा ना, तब मैं ये कपड़े पहनूंगा। ठीक है गोगी टिकरा, तू ये ही कपड़े पहनना। कल सुबह जल्दी जाना है ना, तो अभी जाके जल्दी सो जा। पर पापा आवे जैसे टिकरा जानी आवे फिर सोई जा। हाँ गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। ये रोशन किधर झगड़ा ना कर रहा हो, फोन करती हूँ। रोशन ने फोन क्यों कट कर दिया, क्या हुआ गोडर? वाहेगुरु जी, रोशन का उधर कुछ झगड़ा ना हुआ हो। बोल रोशन बोल। हेलो रोशन। हेलो छोड़ यार बल्लू ना मार रहा है। हेलो रोशन। मैं उठाता हूँ फोन। फोन क्यों कर दिया? से पिला पिला।
ताई जी, रोशन इतने गुस्से में, शू करूं? भेड़े भाई को बोलती हूँ। अरे आलो। अरे रोशन भाभी आप आइए आइए आइए। क्या हुआ? भेड़े भाई, I'm very very sorry यार, मैं आपको अड्डी रात को डिस्टर्ब कर रही हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? सोड़ी घर पे आए नहीं अभी तक? नहीं, मैंने अभी अभी रोशन को फोन किया था और वो गुस्से में जोर जोर से किसी को डांट रहा था और अचानक उसका मोबाइल बंद हो गया। अभी ये सोड़ी को दो भाइयों के मामले के बीच में जाने की जरूरत क्या थी? बेटे भाई मुझे बहुत बहुत टेंशन हो रही है। बेटे भाई आप एक काम कीजिए ना, आप अभी के अभी बल्लू भाई के घर जाइए और रोशन को समझा के लेकर ही आइए। मैं? हाँ क्यों? नहीं नहीं मैं जाता हूँ। जल्दी जाना है और रोशन को लेकर आइए। हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू। सॉरी। आप चिंता मत कीजिए, हाँ आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन तो मुझे हो रहा है यहाँ पे। हाँ सोड़ी पण कमाल है, अभी मैं कहाँ जाऊँ अकेले वो झगड़ा मिटाने के लिए बल्लू के घर पे, कहीं वो आपस का झगड़ा फूट कर मुझे मार देना लग जाए। नको 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 नको, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, सोसाइटी में से किसी को साथ लेके चलता हूँ। हाँ बोल। हाँ अय्यर जल्दी से सोसाइटी कंपाउंड में आ जाओ। हैं? क्यों क्या हुआ? अरे तुम सवाल मत करो, जल्दी से नीचे आ जाओ भाई। तुम्हारा हम कोई बड़ा टेंशन है? फिर तो किसी ने जैकपॉट के लिए ईमेल किया है। अरे आइक ना माज, जल्दी से नीचे आना भाई तू, फिर बताता हूँ मैं। हाँ आ जा। बबीता क्या हुआ? पता नहीं आत्माराम ने हमारे को नीचे क्यों बुलाया। तुम सो जाओ, मैं नीचे जा कर आता हूँ। हेलो पोपटलाल। अरे पोपटलाल इधर इधर, कितने रात को किधर जा रहे हो? अरे भाई जा नहीं रहा हूँ, आ रहा हूँ। आते तो उधर से, तुम घर से इधर से ही आते हैं। अच्छा, लेकिन इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? अरे आत्माराम का फोन आया था, उसने मेरे को नीचे बुलाया। अच्छा मुझे भी? अच्छा अरे आत्माराम क्या हुआ, इतनी रात को तुमने नीचे क्यों बुलाया? सोसाइटी में कोई चोर घुसा है। अरे पोपटलाल सोसाइटी में चोर आता तो मैं फोन करके बुलाता, चिल्लाता नहीं। अरे पर अब क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ वो बताओ। हाँ, इतनी रात को हमारी नींद क्यों बिगाड़ी? अरे बोलने तो दो। अरे झगड़ा हुआ है पोपटलाल, दूसरों की नींद बिगड़े ऐसा झगड़ा करते ही क्यों? एक तो भगवान ने तुम्हें इतनी भली संस्कारी पत्नी दी है माधवी भाभी जैसी, उनकी मदद करने के बजाय उनके साथ झगड़ा करते हो पापी। आत्माराम तुमको माधवी भाभी ने घर से निकाल दिया है तो अब क्या तुमको स्टेशन छोड़ने जाना है? नहीं नहीं भाई, इतनी रात को स्टेशन वेशन कुछ नहीं, अभी मेरे घर जाके सो जाते हैं, सुबह स्टेशन का देखेंगे। अरे अप्पा बसा, क्या कुछ भी बोल रहे हो, मेरा और माधवी का झगड़ा नहीं हुआ है, सोड़ी का हुआ है। सोड़ी का और माधवी भाभी का झगड़ा हुआ? अरे यार कठिन है मानूस, पोपटलाल माधवी का और सोड़ी का झगड़ा नहीं हुआ है, सोड़ी का और बल्लू के बड़े भाई का झगड़ा हुआ है। हमारी सोसाइटी में बल्लू कौन है? आई यार अपने सोसाइटी में नहीं रहता बल्लू, बल्लू मतलब सोड़ी का दोस्त। दोस्त है तो फिर झगड़ा क्यों किया? ये अभी तक नींद में ही है। अरे पोपटलाल सोड़ी का और बल्लू का झगड़ा नहीं हुआ है, सोड़ी का और बल्लू के बड़े भाई का झगड़ा हुआ है। मैंने छोटे छोटे बताया था ना तुम लोग को, चलो मैं रास्ते में बताता हूँ। रास्ते में मतलब? हाँ अभी हम लोग बल्लू के घर जा रहे हैं ना। नहीं मेरे को भी अभी पता चला है। लेकिन भेड़े हम वहाँ जाकर करेंगे क्या, और वो भी इस वक्त? हाँ पोपटलाल इस वक्त जाना जरूरी है, अगर जरूरी नहीं होता तो मैं इस वक्त फोन करता तुम लोग को। अरे भाई छोटी को लेकर आना है वहाँ से, चलो मैं रास्ते में डिटेल में बताता हूँ सब। चलो लेकिन आत्माराम इतने रात को हमको रिक्शा मिलेगा? तो मेरा स्कूटर लेके चलते है ना। लेकिन तुमने तो बोला ना कि अभी जाना है। नहीं वो मजाक कर रहा है। नहीं नहीं मैं सीरियस हूँ, मेरा स्कूटर चालू है। हाँ चलो 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 देखते हैं। ये सोड़े भी रात को परेशान करता है। दिन में तुम ऑफिस में होते हो ना। पोपटलाल क्या बोल रहे हो तुम? मुझे क्या मालूम। अरे भाई तुम्हें नहीं बोल रहा है, चलो
चलो। दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ गई है कहानी में। पत्रकार पोपटलाल, शिक्षक भिड़े और साइंटिस्ट सैयर तीनों निकल चुके हैं सोड़ी का झगड़ा रोकने के लिए बल्लू के घर की ओर। लेकिन क्या मजा आएगा जब इन्हें वहां जाके पता चलेगा भाई झगड़ा नहीं है तो पार्टी चल रही है। सिचुएशन ठीक ऐसी है जैसे आपको वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल का मैच देखना हो, आप टिकट खरीद लें, स्टेडियम पहुंचे और पता चले यहां तो फुटबॉल का मैच हो रहा है। समुद्र में डूबता हुआ आदमी हाथ बाहर निकाले, आप उसे बचाने के लिए कपड़ों समेत कूद पड़े और उसके पास जाए तो पता चले वो तो टाइम पूछ रहा था। ऐसी सिचुएशन अभी है। क्या होगा जब अय्यर, पोपट और भिड़े यहां पहुंचेंगे? कहीं खुद पार्टी करने तो नहीं बैठ जाएंगे? भाई सिचुएशन बड़ी कमाल की है। सोढ़ी नशे में है, गोगी और टप्पू सेना पिकनिक पे जाने के लिए तैयार है सोढ़ी के भरोसे। रोशन घर में चिंतित है कि सोढ़ी का झगड़ा और ना बढ़ जाए। इधर अय्यर, पोपट और भिड़े पहुंचने वाले हैं बल्लू के घर। भाई चारों तरफ हंगामे की हवा और जब हंगामे की हवा चारों ओर से मिलेगी तो होंगे धमाके। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.